जब मैंने ज्वाइनिंग लेकर मैं नहीं गया तो जो रिलेटिव थे और भी लोग थे उनका था कि दरोगा को नौकरी क्यों छोड़ रहा है यूपी में। सर उसका एक अलग ही बोहरान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने वास्तव में इतिहास रचा, जिन्होंने अपने माँ बाप के सपने पूरे किए और जिन्होंने ना केवल एक एग्जाम क्लियर किया बल्कि नौ एग्जाम क्लियर किए और फाइनल सिलेक्शन तक पांच पांच सरकारी नौकरी हासिल की। उन्होंने 2 स्टार से लेकर के 3 स्टार का सफर तय किया और किस तरीके से कैसे पढ़ाई की ये सब हम आज उनसे जानेंगे। तो स्वागत करते हैं हम नूरुल इस्लाम का जिन्होंने सीजीएल में 395 रैंक हासिल की और साथ में बाकी और भी एग्जाम क्लियर किए, वो हम इनसे आज पूरी स्ट्रेटेजी जानेंगे। तो स्वागत है नूरुल इस्लाम आपका रैंकस गुरुकुल परिवार। मेरा नाम नूरुल इस्लाम है और मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में बीएचयू से एग्रीकल्चर से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सीजीएल 2021 में 395 रैंक था। उसके अलावा मैंने यूपीएसआई में भी सिलेक्शन लिया है। उसके अलावा मैंने सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर ऑल इंडिया रैंक 1, उसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट में भी सिलेक्शन लिया है। मैंने सीएचएसएल 2020 और 2021 दोनों में मैं क्वालिफाइड था बट मैंने टाइपिंग स्किप कर दी थी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने यूपीएसआई भी क्लियर किया और फिर सीजीएल 21 भी, तो यूपीएसआई ज्वाइन क्यों नहीं किया? पहले से मोटिवेशन था कि मुझे एक साइज इंस्पेक्टर लेना है और वो 3 स्टार का जो सपना था ना वो पूरा करना था। अच्छा, तो 2 स्टार से 3 स्टार। हाँ, वो था मेरा कि मुझे 3 स्टार एक्साइज चाहिए। मेरा रैंक अच्छा था, मुझे और कुछ मिल सकता था बट मेरा था कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर ही लेना, वो वर्दी का वो था। एक्साइज इंस्पेक्टर का बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने क्रेज देखा कि ऐसा क्या है कि एक्साइज इंस्पेक्टर ही चाहते हैं? कुछ खास एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में जिसकी वजह से आप मतलब मोटिवेट हुए कि हाँ मुझे यही चाहिए? तो एक शॉर्ट वीडियो जो आता है वो ड्रेस पहन के किसी भी टीचर के देखते हैं तो वो अलग वो फीलिंग आता है और वो स्टार का एक अलग फीलिंग है, ड्रेस का एक अलग ही फीलिंग है। ओके। नहीं, वो बोला भी जाता है कि कंधों पर लगे 3 सितारे आसमान में चमकते हुए लाखों सितारों से भी बेहतरीन है। आपको बहुत बहुत बधाई और आपने इसके लिए बहुत मेहनत की होगी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी, स्कूलिंग कैसा था, स्कूल में किस तरीके के आप स्टूडेंट रहे? मैं स्कूल में बेसिकली एवरेज स्टूडेंट ही था। मेरी स्कूलिंग बनारस हुई है, सीबीएसई बोर्ड सेंट एलन एजुकेशनल सेंटर है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में किया है और उसके बाद मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। तो ग्रेजुएशन आपने बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस टाइप से रहा और कितना सपोर्ट रहा फैमिली का आपके तैयारी के दौरान? तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत था। पापा का था कि मतलब कुछ ऐसा करो कि लोग एडमायर करें कि उनके लड़के ने ये किया है, ये सिलेक्शन लिया। तो पापा के लिए वो एक पापा का जो मोटिवेशन था ना वो बहुत इंकरेज करता था पढ़ने के। पापा का सपना पूरा किया आपने, मतलब बहुत मेहनत किया। आपके फादर ये वीडियो देख रहे होंगे, है ना? नमस्कार। आपके फादर को इतना प्राउड फील हो रहा होगा अपने पापा की जो खुशी के लिए। उनको वास्तव में जो वो चाहते थे कि मेरे बेटे का नाम हो, एक इज्जत हो, वो आज आपने उनको गिफ्ट दी है ना। तो तैयारी के दौरान सबसे पहले मतलब कुछ एक स्पेशल चीज या कोई ऐसी जिसको आप सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहते? स्पेशल मेंशन तो बीएचयू का साइबर लाइब्रेरी का है कि वो मेरे लिए स्वर्ग था सर। जो कुछ था वही था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो पूरा अवेलेबल एक्सेसिबल था 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। वो बीएचयू लाइब्रेरी का सर मतलब सबसे ज्यादा क्रेडिट उसी को जाता है। मतलब 15 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठे रहते थे? हाँ, वो पूरा रहता था। ब्रेक लेकर के हम लोग वहीं पे पढ़ाई करते थे, वहीं पढ़ाई, वहाँ पे माहौल भी अच्छा था। मतलब लाइब्रेरी में ही आपका जीवन पूरा मतलब वही स्वर्ग लग रहा है? 1-2 साल तक वही पे बिताया। 2 साल तक मतलब आप लाइब्रेरी में ही रहे? हाँ, बहुत बढ़िया। वहाँ से सीनियर्स भी रहते थे, वो सजेस्ट करते रहते थे। अच्छा, वहाँ पे सीजीएल का वो माहौल है। एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे आपने पढ़ाई ऑनलाइन की, तो ऑफलाइन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ते, तो क्या वजह रही कि आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पाए या ज्वाइन करना चाहते थे या ऑनलाइन ही बेस्ट? सर, मेरा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा प्रिपरेशन करने के लिए, बट चूंकि मेरा ग्रेजुएशन कोविड के टाइम कम्प्लीट हुआ है, वो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी उस समय कि मैं दिल्ली अफोर्ड कर सकूं, इसीलिए मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन हो सकती। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आप दिल्ली अफोर्ड नहीं कर पाए, बट ऑनलाइन रह करके आपने इतना बेहतरीन किया।
तो बहुत बढ़िया मेहनत की होगी आपने, ये पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है, आपकी मेहनत को जाता है। मैथ्स में इनके 2022 में 90 out of 90 आए, और सीजीएल जो 21 में है उसमें मैथ्स का क्या स्कोर है? उसमें सर मेंस में 186 था 200 में, और प्रीलिम्स में 45.5 था। तो मैं आपसे मैथ्स की स्ट्रेटेजी पूछना चाहूंगा कि मैथ्स में एक बच्चा, जैसे आपने तैयारी की और एक बच्चा आज तैयारी करने बैठा है, शुरुआत कर रहा है, तो क्या ऐसा करे कि जिसकी वजह से वो अपना मैथ्स कमजोर है और वो स्ट्रॉन्ग कर पाए? मेरा तो मानना है कि पहले आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं उनका पूरा कोर्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। वही अगर आप बार बार रिवीजन कर रहे हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इंस्टेड कि आप दूसरे टीचर को फॉलो करें। अलग अलग टीचर पर पढ़ने से अच्छा है कि आप उसी टीचर का नोट्स बार बार फॉलो कीजिए, वो बेस्ट वे है, और मॉक पे ज़्यादा डिपेंड कीजिए। ये मैं स्टूडेंट को भी बताता हूँ कि स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं कि ऑनलाइन खास करके पढ़ने वाले वो स्विच करते रहते हैं, कभी इस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास, है ना। तो ये बंद करो, आप एक टीचर पे बिलीव करो, एक टीचर पे विश्वास रखो और उस टीचर के नोट्स बार बार रिवाइज करो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 5 books एक बार पढ़ने से अच्छा है 1 book 5 times पढ़ो। जो आपके पास है वही बार बार पढ़ो, उन्हीं पर विश्वास रखो और बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहो। तो मैथ्स में और कुछ स्पेशल गाइडेंस जो आपकी तरफ से कि बच्चे को ये करना चाहिए शुरुआत? सर मेरा है कि मतलब अगर आप मैथ्स का स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो बेसिक पे कमांड होना चाहिए, तब उसके बाद ही आप शॉर्टकट्स हैं या ऑप्शन से करना चाहते हैं तभी कर सकते हैं। तो बेसिक एक बार प्रॉपरली प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लेना चाहिए, मतलब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बच्चे बहुत सारे ट्रिक्स और ऑप्शन एलिमिनेशन लगाते रहते हैं, ट्रिक्स के पीछे भागते रहते हैं, तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से तरीके से तैयार होने चाहिए। हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप ऑप्शन से या शॉर्टकट ट्रिक्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम। मतलब पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स सीखने होंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी। यस, इसके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहो? तो प्रैक्टिस के लिए तो मैं प्रीवियस ईयर पे ही ज्यादा रिलाई किया था, क्योंकि SSC में जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। तो मेरा पहला सोच था कि वो मैं प्रीवियस ईयर करूँ, और उसके बाद मैं मॉक का एनालिसिस ज्यादा करता था मैथ्स के क्वेश्चन का। और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आपने बताया कि आदित्य सर की रील्स वगैरह, वीडियोज वगैरह, मोटिवेशनल चीजें देखी, और आदित्य सर के कुछ चैप्टर्स जो आपने सीखे हो आदित्य सर से? सर इस बार ये 2022 मेंस के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स उनसे पढ़ा था, और मेरा 90 में 90 है इस बार। बहुत बढ़िया, मतलब अब की बार 2022 में क्रेडिट आदित्य सर को जाता है 90 out of 90 के लिए। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि नए चैप्टर ऐड हुए हैं ये, और बहुत बेहतरीन पढ़ा भी रखा उन्होंने, है ना। तो इंग्लिश में आपका स्कोर क्या रहा? मेरा इंग्लिश 2021 प्री में 50 out of 50 था, और मेंस में 175 था। मतलब इंग्लिश में भी आपने एक बार 50 out of 50 लिया, अब की बार मैथ्स में 90 out of 90 लिया, है ना। मतलब हर सब्जेक्ट पे कमांड पकड़ के रखे हो, है ना। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंग्लिश की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जो कि आपके मार्क्स बढ़े? इंग्लिश का मेरा इंग्लिश पहले तो बहुत वीक था, तो मैंने, मैं जब ग्रेजुएशन ईयर में था तो मैंने नॉवेल्स बहुत पढ़ी है, थर्ड ईयर से ही मैं नॉवेल्स पढ़ता था, वो कैब पे काम करता था। तो मेरे हिसाब से क्योंकि जो SSC का पैटर्न है उसमें रीडिंग का एक अलग ही वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज रीडिंग का है, तो मुझे लगता है रीडिंग पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ग्रामर। तो ये चीज है, और उसके अलावा आप भी, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं एक बार प्रॉपर नोट्स बना करके उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट इजिली हो जाएगा। और मैं ग्रामर में, वो कैब में, इनमें प्रीवियस ईयर का कितना रोल है? जो वो कैब का क्वेश्चन आता है उसका है कि अगर नॉर्मल आ रहा है तो सब कर लेगा, और वो बहुत टफ आ रहा है तो वो सबसे नहीं होता है, तो हम एक दो क्वेश्चन के लिए अपना बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, मेरा तो यही अप्रोच था। ओके, रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले रीजनिंग प्री में आती थी ना, पहले वो भी जाती थी, अब मेंस में भी आने लगी और अच्छे लेवल की रीजनिंग आने, तो रीजनिंग की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? सर रीजनिंग मेनली मैं तो मॉक से ही करता था, बट कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मुझे परेशान करते थे, जैसे ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट, वो मैंने यूट्यूब के थ्रू आपके चैनल से आपसे पढ़ा था। और कुछ कुछ टॉपिक आपने सेल्फ कर लिए थे, और ये मैं बिल्कुल पहले, और ऐसा चल भी जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब बैंकिंग रीजनिंग आ चुकी है, अब प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सर मेरा जो स्ट्रेटजी था अब तो वो ऑब्सोलीट हो गया है, क्योंकि 2021 में रीजनिंग सिर्फ प्रीलिम्स में आता था, उसका सिर्फ 50 marks का वेटेज था, तो मैं तो मॉक से कर लेता था, बट इस बार का जब दिया हूँ रीजनिंग तो वो टफ है, इसमें क्या क्या है, मैथ्स को इजी करके
रीजनिंग को टफ किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा रीजनिंग को प्रॉपर वे में अब प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये पहले तो की तरह नहीं है। हाँ, पहले रीजनिंग में क्या होता था कि सेल्फ स्टडी से भी हो जाता था। अब की बार जैसे रीजनिंग में आपके पिछले 2021 में बहुत अच्छा स्कोर रहा, लेकिन 2022 में रीजनिंग का क्या स्कोर रहा आपका? 67, मतलब बहुत कम हो गया। बहुत कम है, इससे मेरा इस बार नंबर कम। मैथ सोचो 90 out of 90 और रीजनिंग 67 है ना, उसकी क्या वजह रही ऐसी कि रीजनिंग में आपका स्कोर कम रहा? सर इस बार टफनेस लेवल बढ़ गया है रीजनिंग का, अगर देखे तो बैंकिंग पैटर्न आया, बैंकिंग पैटर्न आ गया, वो आपने नहीं पढ़े होंगे। वो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए वो टफ है, वो बिना पढ़े नहीं हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब रीजनिंग में जो है आपको मेंस के लिए प्री तो हो जाएगा, चलो मेंस के लिए आपको बैंकिंग रीजनिंग तैयार करनी होगी। आपको प्रॉपर तरीके से हर चैप्टर पे फोकस करना होगा। ऐसा पहले होता था कि ये एसएससी की रीजनिंग, ये बैंक की रीजनिंग, अब एसएससी बैंक कुछ नहीं रहा। yes. अब कंप्लीट रीजनिंग सीखनी होगी, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग बहुत आई, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, कोरिन इनइक्वालिटी, ये सारा बैंकिंग के चैप्टर्स ऐड हुए हैं। और मुझे जो लगता है आगे भी और चैप्टर्स भी ऐड होंगे बैंकिंग में। सर रीजनिंग टफ आ रही है, जैसा 2018 में 17 में रहा था, अब उससे बहुत टफ कर दिया रही। बिल्कुल, तो रीजनिंग पे भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेटेज है मैथ्स का रीजनिंग का दोनों का इक्वल है, तो आप किसी को कम कर सकते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अब रीजनिंग के लिए बहुत सीरियस हो जाओ बच्चों, ठीक है? जितना वेटेज, जितना फोकस मैथ्स पे रहता है, उससे ज्यादा फोकस अब रीजनिंग पे करना होगा। और जीएस की आपके अकॉर्डिंग क्या सही रणनीति रहेगी? मेरा जीएस का अप्रोच यही था सर कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा कर रहा था और मॉक से एनालिसिस करता था, लेकिन अब क्या है कि जीएस का वेटेज मेंस में आ गया है, तो जीएस को प्रॉपर वे में कोर्स के थ्रू कंप्लीट करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके तैयारी करते वक्त सबसे ज्यादा आपने किस चीज पे फोकस किया? मेरा सर सबसे ज्यादा फोकस मॉक पे ही रहता था। मैंने प्रीलिम्स के मोर देन 200 मॉक्स दिए, और एनालिसिस अगर मैं एक मॉक दे रहा हूँ तो मैंने इसके 200 मॉक दिए, 200 एंड अबव मॉक्स दिए। अच्छा, 200 से भी ज्यादा। मेरा जो स्ट्रेटजी था मॉक्स को लेकर के, अगर मैं एक मॉक दे रहा हूँ तो वो एक घंटे का मॉक रहता था, बट जो एनालिसिस रहता था वो मेरा दो घंटे से ज्यादा का रहता था। अगर मैंने मैथ का मॉक दिया है, अगर मैं मुझे वो क्वेश्चन आ रहा है फिर भी मैं उसको दोबारा करता था ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। मैं इसलिए वो सारे क्वेश्चन जो मुझे आते रहते थे उसको मैं दोबारा करता था, वो टाइम लगता था बट वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता था। मॉक एनालिसिस पे बहुत फोकस है। हाँ, वो मैं भी जब स्टूडेंट मेरे से गाइडेंस पूछने आते हैं ना, तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मॉक दो, लेकिन मॉक का एनालिसिस बहुत डिटेल में करो। दो घंटे, तीन घंटे, एक घंटे के मॉक के लिए दो घंटे तीन घंटे जो नहीं आया उसको याद करो, वो कैंप कोई नहीं बनी उसको याद करो, जीएस नहीं बनी उसको याद करो, क्योंकि आज जो वर्ड नया लग रहा है वो 10 दिन बाद फिर आएगा, वो आपको पुराना लगेगा। तो मॉक का सॉल्यूशन जरूरत हो, मतलब आप इनको मैं 200 मॉक दिए तो 200 के 200 का सॉल्यूशन आपको याद था, ये आपकी बहुत सही रणनीति रही। और मॉक से बहुत स्कोर इंप्रूव होता है, बार बार अगर बच्चा मॉक दे और मॉक का एनालिसिस ज्यादा करे। मॉक एनालिसिस से सर ये भी फायदा होता है, जो सिली मिस्टेक्स होते थे और जो हम लोग क्वेश्चन नहीं आ रहे तो जो ऑप्शन से अप्रोच करते थे उस पर हम लोग का बहुत कमांड हो गया था। ओके, तैयारी करते वक्त ना बच्चे बीच बीच में नेगेटिव और डिमोटिवेट भी होते हैं, वो आप भी हुए होंगे, उससे किस तरीके से आपने अपने आप को टैकल किया? सर सक्सेस तो पार्ट रहा है बट फेल्योर भी उसका एक पार्ट रहा है। मेरा मैं IIT का प्रिपरेशन कर रहा था 12th के बाद, तो IIT नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। उसके बाद मैं IB का मेरा सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू आउट हुआ, FCAT का भी मेरा सिलेक्शन हुआ, SSB आउट हुआ, तो फेल्योर भी एक पार्ट था सर मेरे जर्नी में। जब आप किसी एग्जाम में जैसे IIT की प्रिपरेशन की फेल हुए और IB इंटरव्यू आउट हुआ, उस टाइम आपने अपने आप को कैसे संभाला या समझाया और कैसे मोटिवेट किया? सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू आउट है वो ठीक है, बट वो जो अल्टीमेट टारगेट था वो मोटिवेशन का, कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर लेना है, मुझे वो 3 स्टार था कि चाहिए, तो वो एक मोटिवेशन था सर, वो हमेशा इंकरेज करता था अच्छा करने के लिए। मुझे तो चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए ना, और उसी के लिए लगे रहे और मिल भी गए। सपने सच होते हैं, बिल्कुल सच होते हैं, बस उसके लिए इनकी तरह मेहनत करते रहो। ऐसे मेहनती बच्चे बनो, इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने वास्तव में बहुत अपने आप को मतलब तपाया है लाइब्रेरी में बैठ करके, सब कुछ छोड़ा होगा, फैमिली से कटआउट हुए होंगे, लेकिन अपने आप को बस लाइब्रेरी में ही पैक करके रखना है, बार बार पढ़ते रहना, चीजें पढ़ते रहना।
तो जो मेरा मॉक स्ट्रेटजी रहता था कि मैंने आज सुबह जैसे एक मॉक दिया है, प्रीवियस ईयर दिया चाहे मॉक दिया है, उसके बाद जो एनालिसिस रहता था मैं उस टाइम नहीं करता था, अगले दिन या शाम में करता था। और उसके बाद मैंने जब शुरू किया मैथ का, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता था, मैंने किया, मुझसे जो क्वेश्चन आ मैंने कर भी लिया है, उसके बाद मैं उसको दोबारा करता था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था और जो सिली मिस्टेक का चांस रहता था वो कम होता था। उसके अलावा जब मैं इंग्लिश करता था तो वो कैफ के जैसे क्वेश्चन हुए जो मुझे नए लगते थे मैं उनको नोट डाउन करता था, और सिर्फ वो क्वेश्चन ही नहीं उसके जो चार ऑप्शन रहते थे उनको भी मैं करता था। और जो मेरा जीएस का अप्रोच रहता था मॉक का, तो वो करंट अफेयर का ये रहता था कि मुझे दो तीन महीने में उसमें पढ़ा नहीं रहता था, मैं एग्जाम से पहले पढ़ता था, वो गलत भी होता था तो उसके लिए मैं बहुत परेशान नहीं होता था। और जो क्वेश्चन रहते थे स्टैटिक के उनको मैं डिटेल एनालिसिस करता था कि वो मुझसे क्यों नहीं हो रहे, और पूरा मैं लिखता था जो जो मुझे नया लगता था, मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, मैं उसका एक अलग से नोट बनाता था। तो मतलब मॉक पे आपने बहुत डिटेल्ड मैं ये कहूँ रिसर्च किया है। एक मॉक दिया था उसके ऊपर पूरा माथापच्ची करना बाद में भी कि भाई ये क्यों क्वेश्चन गलत हुआ, एक नया है तो इसको अलग से याद कर लो, है ना, दो तीन घंटे उस पर वापिस से फोकस किया। हाँ सर ये था, अगर मेरा मॉक एक घंटे का तो एनालिसिस ढाई से तीन घंटे का रहता है। जैसे आपने लाइब्रेरी में रह करके पढ़ाई की, अभी बहुत सारे बच्चे कोई मुखर्जी नगर बैठा, कोई पटना बैठा, कोई कहीं जयपुर बैठा, वो भी लाइब्रेरी हर बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए, लाइब्रेरी का कितना बड़ा रोल है, क्या घर पे भी पढ़ाई हो सकती है? सर लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल है मुझे लगता है, क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे साथ रहता था, वो भी एसएससी की तैयारी करता था, तो हम दोनों लोग का अपना टसल रहता था, मॉक देते थे, एक दूसरे से कम्पीट करते थे, एक दूसरे का मार्क्स पूछते थे, तो वो एक मोटिवेशन रहता था, इंकरेजमेंट रहता था। और सर लाइब्रेरी का जो माहौल रहता है पढ़ाई का वो अलग रहता है, घर पे रह के उस तरह से है ना घर पे मुझे लगता है, तो लाइब्रेरी मतलब बेस्ट चीज़ है सर। और कई बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा देर तक लाइब्रेरी नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से कि कैसे वो अपने आप को वहीं बैठ करके पढ़ाई करते रहे? सर जो मेरा अप्रोच रहता था लाइब्रेरी का, अगर मैं एक घंटा पढ़ा हूँ तो पाँच दस मिनट के लिए मैं वॉक करता था या बाहर चले किसी से बात कर लिया, कुछ स्नैक्स खा लिया, मेरा यही अप्रोच रहता, तो वो मुझे एनर्जेटिक रखता था। मतलब आप कुछ देर पढ़ते थे फिर कुछ 45 मिनट का ब्रेक लेते थे फिर कुछ देर पढ़ते थे? यस सर, ऐसे करके आप पढ़ते रहते थे। यस, मैथ्स के लिए कितने घंटे देने चाहिए बच्चे को पढ़ाई के लिए? तो डिपेंड करता है, आप मॉक दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप एनालिसिस से और रिविजन से भी कर सकते हैं, बट आपका बेसिक्स कमजोर है तो उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर बच्चे को, हर बच्चे को ज्यादा फोकस करना चाहिए अब नए पैटर्न के बाद? तो मुझे लगता है कि जो अब नया पैटर्न आया एसएससी का, सभी सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल हुआ है, उस हिसाब से सभी सब्जेक्ट को उतनी ही वैल्यू और उतना ही टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपका मैथ्स में 90 में अगर 87 आ रहा है, 88 आ रहा है और रीजनिंग में 60 आ गया तो वो तो आपका ओवरऑल रिजल्ट खराब कर देगा। तो मेरे हिसाब से सभी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मतलब अब हर बच्चे को जीएस पे भी उतना ही फोकस, इंग्लिश पे भी उतना ही फोकस, पहले क्या करते थे कोई दो सब्जेक्ट, और ज्यादातर बच्चे मैथ्स और रीजनिंग को प्री में, तो मैथ्स और रीजनिंग को पूरा मार्क्स लेकर के आते थे, मेन से मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस कर लेते थे, है ना। अब जीएस भी, रीजनिंग भी, कंप्यूटर भी, जैसे आपके टाइम कंप्यूटर तो नहीं आता था लेकिन अब कंप्यूटर ऐड हो गया, तो अगर आप अभी एग्जाम देते 23 का 24 का तो आप कंप्यूटर को लेकर के किस तरीके से चलते? मैं तो बहुत ज्यादा वेटेज इसको देता, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनका बहुत अच्छा मार्क्स है 2022 में बट वो कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर का प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना चाहिए, ना कि आप ऐसे ही एग्जाम में चले जाएं, क्योंकि वो आपका पूरा सिलेक्शन रोक देगा। मेरा पार्टनर के साथ कॉम्पिटिशन रहता था, वो पार्टनर महिला मित्र तो नहीं थी आपकी? नहीं, वो मेरा दोस्त था अमित पटेल, वो भी यूपीएसआई में सिलेक्टेड है सर अभी। ये जब कॉलेज लाइफ होती है तो ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मेरा भी कोई पार्टनर हो, तो आपके भी रहा होगा? नहीं सर। अच्छा, तो मतलब आपने कैसे क्या फोकस किया और कैसे, मतलब आजकल के युवा तो मतलब चाहते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए, तो मुझे जो मेरा ड्रीम पोस्ट था मुझे उसको अचीव करना था एनी हाउ, तो पहले तो मेरा वही था कि मुझे सीजे लगता है इंस्पेक्टर लेना है, मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा था। तो अब तो मतलब बनाओगे ना? अच्छा, तो मतलब रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ही नौकरी लगती है घर वालों का अगला टारगेट हो जाता है कि बच्चे की शादी कर दे। मैं कहूंगा कि अगर आगे कोई टारगेट हो तो उसको अचीव करो, क्योंकि तो ये ट्रेन की एक टिकट है, ये गाड़ी कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे है ये मैटर नहीं करता,
आपकी रिटायरमेंट किस पोस्ट से होगी ये ज्यादा मैटर करेगा, तो आप जिंदगी में और भी आगे बढ़ते रहो। आगे का कोई प्लान है? सर अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट ये है कि सर मैं जो अभी और जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं उनका जो डाउट रहेगा, उनको जो दिक्कत है उनको हेल्प करने का मैंने सोचा है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। ओके नहीं बढ़िया, मतलब खुद तो बन गए और दूसरों को भी बनाओ ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई खुद बनने के बाद दूसरों को जरूर बनाना, इसलिए हमारी रैंकर्स गुरुकुल की यही सोच रही है कि इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे। तो हमेशा यही रहता है कि भाई दूसरों को गाइड करो और हम पूरा सपोर्ट करेंगे उस चीज में, हम आपका कि किस तरीके से क्या क्या कैसे आप बाकी लोगों को भी गाइड कर पाओगे। आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, दरोगा बने, तो मतलब दरोगा की नौकरी छोड़ने का कैसे डिसीजन लिया? ये बहुत टफ था सर, क्योंकि वो जब मैंने ज्वाइनिंग लेकर मैं नहीं गया तो जो रिलेटिव थे और भी लोग थे उनका था कि दरोगा का नौकरी क्यों छोड़ रहा है यूपी में, सर उसका एक अलग ही भौकाल है। हाँ, दरोगा का दरोगा, तो वो लोग कहे दरोगा से बड़ा कौन सा नौकरी की छोड़ रहे हो, लेकिन था कि सर एक्साइज लेना है तो इसीलिए मैं नहीं गया, उसमें बॉन्ड भी भरना पड़ता तो इसीलिए मैं नहीं गया। एक्साइज लगे नहीं थे फिर भी आपने ये डिसीजन ले पाए कि नहीं मेरे को तो लग ही जाना है, मतलब इतना क्या कॉन्फिडेंस था? क्योंकि मेरा पेपर हो गया था और वो बहुत अच्छा गया था, मुझे आइडिया था, क्योंकि मेरा सर टायर टू तक 100 के अंदर रैंक चला था, मेरा 600 में 542 था, तो उस समय मैं 100 के अंदर रैंक था, तो मुझे था कि मुझे एक्साइज मिल जाए। बाकी मतलब बोला जाता है कि यूपी में दरोगा और दिल्ली में इंस्पेक्टर से बड़ा माना जाता है, क्योंकि उसका एक अलग ही वोकल है। मेरे बहुत सारे यूपीएससी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो उनसे जब मैं मिलता हूँ ना तो अलग ही लेवल का वोकल रहता है उन लोगों का ना। बाकी हर पोस्ट अच्छी होती है, एक ड्रीम पोस्ट होती है, जैसे आपकी एक ड्रीम पोस्ट थी। अब सपना सच होने में बड़ा मजा आता है, जब सपना सच होता है, जब आंखों के सामने जो सोचा वो आपने पाया और उसके लिए आपने बड़ी मेहनत की ना। और एक लास्ट मैसेज जो आपकी तरफ से रहेगा कि अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली अगर आप लगे हुए हैं और आपका मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं आप, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। वो समय लग सकता है बट आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा और आपका ड्रीम पोस्ट मिलेगा। उस ड्रीम पोस्ट के लिए और जो आपको अचीव करना है उसके लिए हमेशा अपने आपको मोटिवेट रखना है और डिस्ट्रैक्शन से बचना है और अपने आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना है। तो मुझे एक्सेल करना है और मैं उसको अचीव करना है, मुझे उसके लिए हर वक्त मेहनत करते रहना है। तो नूरुल इस्लाम, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, आपको बहुत बहुत बधाई, आगे का जीवन भी बड़ा खुशमय जाए, आप जो चाहते हो आप जीवन में हासिल करें और आप हमेशा खुश रहे, आपका परिवार यूं ही आप पर गर्व महसूस करते रहे। थैंक यू सर। आपके पिताजी का जो सपना था वो आपने पूरा किया, आज आपके मम्मी पापा को भी नमस्कार, वो आज बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे आपके ऊपर, है ना, और आपने ऐसा काम किया और ऐसी मेहनत की। आपको भी थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ बोला। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, आप हमेशा खुश रहिए।